हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। मैं आज अब आपको कंसाइनमेंट क्रिएट करना बताऊंगा। आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से कैसे सेल आउट कर सकते हैं। मैं आपको कंसाइनमेंट क्रिएट होता है, और मतलब कंसाइनमेंट क्रिएट करने का मतलब होता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अपने ऑफिस से या अपने शॉप से फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस तक भेज सको। ठीक है, उसको बोलते हैं FBF। FBF शेड्यूलिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, हम ये बाहर पैनल है, अपने पैनल पे आ गए। और पैनल आने के बाद आपको पता ही है इस टाइप का पैनल है फ्लिपकार्ट का। इसमें हम इन्वेंट्री में आए। इन्वेंट्री में आने के बाद ये कंसाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे क्लिक किया, और कंसाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद इसमें क्रिएट कंसाइनमेंट यहाँ पे, ये मेरे वीडियो के नीचे आ गया था, ये क्रिएट कंसाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे क्रिएट कंसाइनमेंट करेंगे। अब ये पूछेगा आपको मोर देन 200 यूनिट से ऊपर भेजने हैं या 200 यूनिट से नीचे भेजने हैं। तो हमें 200 यूनिट से नीचे भेजने हैं, तो इसीलिए हम लेस देन 200 यूनिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना एक सेकेंड एस टाइप का पैनल खुलेगा। अब देखिए इसके अंदर पहले आपसे पूछेगा सिलेक्ट आपके वेयर हाउस का एड्रेस, डिलीवरी कौन से वेयर हाउस में चाहिए आपको, क्योंकि आप एक अपने पैनल से मल्टीपल जगह के वेयर हाउस को ऑप्टिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पूछेगा आपका जो आपका पिकअप होना है वो किस जगह से होना है। हम अपना पिकअप एड्रेस डालेंगे इसके अंदर, और ये पूरा पहले से सेव है। अगर यहाँ पे आप जैसे न्यू एड्रेस डालना चाहते हैं पिकअप का, तो देखिए यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करके भी आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आएगा, जिसके अंदर आपको ये कहेगा कि ये आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, और ये कहेगा कि आपको इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट चूज़ करने हैं, और इसमें से आप प्रोडक्ट अपने चूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम अभी आपको दिखा देते हैं हम कौन कौन से प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे, आज हम आपको कंटिन्यू करके दिखाएंगे। और इसमें सर्च करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे हम एक मिनट सर्च कर देते हैं, इस टाइप से हम कोई भी एसक्यू ले सकते हैं और हम इसको सर्च कर सकते हैं एसक्यू। इस टाइप से हमने ये एसक्यू ले लिया, और जैसे हमें ये क्वांटिटी भेजनी है तो इस पे हम क्वांटिटी फिल कर देंगे। हमने जैसे 40 यूनिट्स कर दिया। अब ये कह रहा है आपका कॉस्ट प्राइस क्या, आपके प्रोडक्ट का जो परचेज प्राइस है वो पूछ रहा है। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट का परचेज प्राइस है 150 रुपीज़, हमने ये सबमिट किया। उसके बाद हमें इस पे दूसरा प्रोडक्ट लेना है, तो हम यहाँ पे इसका दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे इस टाइप से। एक सेकेंड फ्रेंड, मेरे ख्याल से वो सेव नहीं हुआ अभी। हम इस पे आ गए। ठीक है, सेव है। और अब हम यहाँ पे दूसरा लेंगे। दूसरे एसक्यू हमने डाली, इसी की ही एसक्यू है। जैसे हम यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे अपना यूनिट डाल दिए। यूनिट के बाद डालने के बाद हम यहाँ पे अपना प्राइस डालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्राइस। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, जिस टाइप से मैं ले रहा हूँ। आप इस टाइप से चाहे सिंगल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, यूनिट आप चाहे 10 यूनिट रखिए चाहे 5 यूनिट रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें एक कंडीशन है कि आप मतलब 20 kg से ऊपर अपना प्रोडक्ट नहीं, 20 kg से ऊपर जो पैकिंग होगी वो नहीं होगी। बस बाकी ये है, आप 20 kg के अंदर आप कितने भी यूनिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे आप 5 यूनिट का ही बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमने यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे जैसे हमने 3 प्रोडक्ट डाले हैं अपने, उसके बाद हम यहाँ पे सेव कंसाइनमेंट करेंगे। सेव कंसाइनमेंट होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा डेट की शेड्यूलिंग पूछेगा हमसे कि आपको किस दिन कंसाइनमेंट देना है। तो पहले हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर नहीं हो पाएगा तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा डालेंगे यहाँ पे इस टाइप से। और उसके बाद हम यहाँ पे डेट चूज़ करेंगे, जैसे कि आज क्या तारीख है, 19 तारीख है। 21 तारीख को स्लॉट खाली है, कैपेसिटी है, हमने 19 तारीख 21 तारीख सेलेक्ट कर लिया। बट 21 तारीख संडे है, तो संडे को दे देंगे संडे को कंसाइनमेंट हम, संडे ऑफ होता है हमारे पास। 23 तारीख का हम स्लॉट जैसे ले रहे हैं, क्योंकि संडे को हम रहेंगे नहीं, तो इसलिए हम 23 तारीख का कंसाइनमेंट के लिए डेट ले रहे हैं। 23 तारीख को हमारे पास से पिकअप होगा, और ये संडे को भी ले सकते हैं। संडे को भी फिर हमें ऑफिस ऑफिस स्पेशल आना पड़ेगा कंसाइनमेंट के लिए। चलिए हम संडे को ही कंसाइनमेंट कर देते हैं, क्रेट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक मिनट, ये पिकअप
ये ड्रॉप, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैं आपको बताना भूल गया, पिकअप एंड ड्रॉप। ड्रॉप मतलब है आप वहां पे जाके प्रोडक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, और पिकअप का मतलब है वो यहाँ पे आके खुद पिक करेंगे आपके प्रोडक्ट को, आपके एड्रेस पे आके वो खुद पिक करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, मैं सिर्फ आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देखिए, वो आपको खुद आपके प्रोडक्ट को खुद यहाँ पे आके पिक करेंगे, आपको वहाँ पे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्रॉप पे करोगे तो आपको ड्रॉप करने जाना पड़ेगा वहाँ पे प्रोडक्ट, और अगर आप पिकअप पे करोगे तो वो यहाँ से पिक करके आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे। तो हमने इसको पिकअप पे क्लिक किया, और पिकअप पे क्लिक करने के बाद, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे को लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे 22 तारीख का स्लॉट खाली है मंडे को, तो मंडे को नहीं करेंगे हम 23 तारीख का ही डिलीवरी लेंगे, कि 23 तारीख को हमारे पास से पिकअप हो। 23 तारीख सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे, पिकअप डेट हमारी 23 तारीख की है, रेडी टू डिस्पैच 21, एक्सेप्टेड डिलीवरी 25 तारीख। 25 तारीख को ये वहाँ पे वेयर हाउस में डिलीवर हो जाएगा, और अपना इंस्टाकार्ट वाले अपना आएंगे इसको ले जाएंगे आके। हम एक बार कंफर्म कर देते हैं इसको। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कह रहा है डाउनलोड क्यूसी फाइल। अब फ्रेंड जैसे हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्यूसी जनरेट के लिए एक ऑप्शन आया है जिसमें हमें डाउनलोड करनी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी आप डिटेल देख सकते हैं अपने लैपटॉप पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 19 तारीख को हम क्रिएट कर रहे हैं, ये टाइमिंग है, और नंबर ऑफ SQ हमने 3 SQ लिए थे आपके सामने, आपने देखा है 3 SQ हैं, और नंबर ऑफ यूनिट हमने 40 40 यूनिट तीनों में डाला था। ये डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे उसका हमने ₹150 उसका अमाउंट सेलेक्ट किया था, ये आ गया। उसके बाद पिकअप हमने यहाँ पे शेड्यूल टाइप किया कि हमें पिकअप करानी है यहाँ से, और उसके बाद ये हमने डेट सेलेक्ट करी है 23 तारीख की, कि 23 तारीख को हमारे पास से पिकअप होगा, और हमें 21 तारीख तक इसको डिस्पैच करना है। मतलब 21 तारीख तक अगर हम इस कंसाइनमेंट को डिस्पैच नहीं करेंगे तो शायद हमें पेनल्टी वगैरह भी पे करनी पड़ती है। 2 दिन पहले हम इसे डिस्पैच कर देंगे, हम अभी अभी 2 दिन पहले डिस्पैच करना चाहिए। वैसे तो हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे डिस्पैच भी किया जाता है इसके अंदर। ये तो कंसाइनमेंट क्रिएट का हो गया, अब हम इसमें दिखाएंगे आपको कैसे कैसे डिस्पैच किया जाएगा, डिस्पैच भी इसके अंदर हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, हम इसमें अब डाउनलोड क्यूसी फाइल करेंगे, और उसके बाद इसको हम अपना सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं फोल्डर बना के। आज क्या डेट है, 19/4। FBF कर दिया हमने, और इस फाइल में हम सेव कर देंगे इसको। और ये डाउनलोड हो गई है, जिप फाइल आई है, और इसमें लेबल आया है आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको एक बार ओपन करके किस टाइप का होगा ये। ये लेबल जो होता है, ये मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये डिटेल फिल करके ये लगाना होता है। जैसे इसके अंदर आर्टिकल नंबर, ब्रांड, नेट, यूनिट साइज, डायमेंशन, MRP, जेनरिक नेम, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मंथ ऑफ पैकिंग, कस्टमर केयर, FSN का बारकोड, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस टाइप का होता है। आप एक सेकेंड मेरे स्क्रीन पर रहिएगा। एक सेकंड, हम अपने इसके अंदर पैनल पे आ गए, और इसके अंदर हमारे पास हाँ ये, सॉरी फ्रेंड, इस सिस्टम में हमारे बारकोड है नहीं, वो जो लेवल होता है। मैं आपको, वैसे कोई नहीं, मैं आपको इसके अंदर एक, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक फोटो मेंशन कर दूंगा उसका, कि वो किस टाइप से जो ये जो डिटेल है, ये डिटेल उसके अंदर फिल करके बनाया जाता है वो लेबल जो अपने प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। मैं उसका फोटो आपको दिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल डाउनलोड करी थी, जो फाइल देख लेते हैं हम उसके अंदर और क्या आया है। एक बार दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ से, कोई नहीं। सेव, ये देखिए आप, ये हमारे जो 3 प्रोडक्ट थे उसकी डिटेल आ गई है, उसका FSN आ गया है। यहाँ पे आपको FSN भी मिल जाएगा उसका, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, कि आपको लिस्टिंग में चेक करनी है। लिस्टिंग आईडी भी मिल जाएगी, SQ ID भी मिल जाएगा, MRP मिल जाएगा, और जो ये अपना सेलिंग प्राइस है अपना जो भी है, आर्टिकल नंबर जो है, और ब्रांड नेम जो भी है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा उसमें फिलअप करने के लिए। ये सिर्फ उसके लिए है जो हम अपना लेबल बनाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर लगने के लिए। मैं लास्ट में एक फोटो लगा दूंगा वीडियो की, आप देख सकते हैं किस टाइप का होगा। हमने QC कर लिया है, हमने QC करने के बाद हम अब इसको कंसाइनमेंट को आगे बढ़ेंगे लेके। अब हमें इसमें आ गया बल्क अपलोडिंग या यूज, जो हमें जो बॉक्स है, जो हम जिस बॉक्स में हमने पैक किया है उसका हमें इसमें डायमेंशन देना है। तो हम इसको यूज, हम इसके अब इसको फिलअप करेंगे। कैसे फिलअप करेंगे हम इसको, जैसे हमारे पास है 1 नंबर, कंफर्म करेंगे हम।
हाँ जैसे हमारे पास बॉक्स 3 है, हम 3 डालेंगे यहाँ पे फ्रेंड। जैसे कि हम बता रहे थे यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट डालेंगे कि हमारे कितने बॉक्स हैं, तो हम एक नंबर डाल रहे हैं अभी फिलहाल, नहीं हम 3 नंबर डालेंगे क्योंकि हमारे पास 3 कंसाइनमेंट है। और क्लिक किया, इस टाइप से बॉक्स आ जाएंगे। हमें बॉक्स के इसमें डायमेंशन बतानी है, वेट बताना है और वैल्यू बतानी है हमें इसके अंदर। जैसे हमारा पहला बॉक्स है जो यहाँ पे पहले बॉक्स नेम होगा, तो बॉक्स नेम डालेंगे हम। जैसे हमारा बॉक्स नेम, पहला बॉक्स नेम हम लग देते हैं, हम अपना बॉक्स एसक्यू ही रखेंगे इसके अंदर क्योंकि हमने एक बॉक्स में एक ही एसक्यू डाला है। तो जैसे अभी हमने फाइल डाउनलोड किया था, अब वहाँ से हम एसक्यू ले लेंगे इस टाइप से। और जैसे कि हमारे पास ये हमने पहला बॉक्स नंबर ले दिया यहाँ पे, अब देखेंगे इस टाइप से हमने ये पहला बॉक्स दे दिया। और सेकेंड बॉक्स नेम डालेंगे हम यहाँ पे इस टाइप से, इसी टाइप से आप यहाँ पे सेकेंड बॉक्स नेम डालना जैसे हम डाल रहे हैं। आप भी अपना वही बॉक्स, एक बॉक्स में कोशिश कीजिए आप कि सिंगल ही प्रोडक्ट आप पैक कीजिए। और उसके बाद हम इसकी लेंथ डालेंगे, जो हमारे पास लेंथ है वो हमने सेंटीमीटर में डालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमने लेंथ है वो हमने अपना पहले से ही उसको लेंथ को नाप के रखा हुआ है बॉक्स की इस टाइप से। और उसका फिर उसके बाद ब्रेड डालेंगे यहाँ पे इस टाइप से हम। और उसके बाद हाइट जो हमारे बॉक्स की है कुछ इस टाइप से है, मतलब हमने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है उसको। और उसके बाद अब जो हमारे बॉक्स का जो वेट है, हर बॉक्स का वेट अपना अलग अलग होगा, 18 किलो, 250 ग्राम और 20 केजी से ऊपर नहीं जाएगा, मैंने आपको फ्रेंड पहले भी बताया था। कोई एरर चल रहा है मेरे को लगता है, अब आ गया। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, ये 19 किलो 70 ग्राम है ये, बट ये 0 आ नहीं रहा इसमें, कोई एरर होगा अभी। अब हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने लगाई थी यहीं पे ही एक्सेल में ही आई हुई है हमारे पास, हम इसमें भी देख लेंगे वैसे एक बार, सेकंड वाले एक्सेल में हो गया तो नहीं, इसमें नहीं है वो, हमने आपको पहले दिखाई थी रिफ्रेश करके पेज पे, कंसाइनमेंट वाले पेज पे दिखाया था हमने आपको। और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से, 150 × 40, जैसे कि हमारे जो वैल्यू है उसकी, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दिखाएगा यहाँ पे तो। हाँ नहीं, अलग अलग भी हो सकती है प्रोडक्ट की वैल्यू, इसीलिए डिवाइडेड मत करना आप, कि आपको लगे कि जैसे हमने तो सिंगल ही प्रोडक्ट भेजा है तो इसीलिए हमने जैसे ये ऐड कर दिया टोटल। तो उसके बाद जीरो पॉइंट 19, 0.1 कर दिया, ठीक है, इसमें 0 नहीं लग रहा आगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये बॉक्स सेव कर दिए, आप देख सकते हैं, अब इसको दोबारा से चेक कर लीजिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इस टाइप से। और ये उसकी लेंथ है, सेंटीमीटर में देनी है आपको। और ये वेट हो गया उसका, ये वैल्यू हो गई उसकी। और बॉक्स सेव कर दिया हमने, सेव करने के बाद डाउनलोड जी, ये जो अब लेवल डाउनलोड होगा, डाउनलोडिंग पे क्लिक कर दिया है हमने। कुछ रॉन्ग बता रहा है हमें, क्या रॉन्ग बता रहा है, नहीं डाउनलोड हो रहा है लेबल, तो हमने इसी फाइल के अंदर ये लेबल डाउनलोड करने हैं। दो लेबल डाउनलोड होते हैं इसके अंदर, आप ध्यान रखिएगा कि आपको लगे कहीं कि सिंगल लेबल ही है इस टाइप से। ये इनवॉइस है जो हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इनवॉइस हमें जो स्टॉक लेने आएंगे उनको ये प्रोवाइड करनी होगी। और इसकी दो कॉपी देनी होती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसकी दो कॉपी उनको देनी होती हैं। और जो हमारी दूसरी फाइल आई है वो भी हम देख लेते, दो इनवॉइस आई है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये स्टॉक ट्रांसफर है और ये लेबल है, अब ये देखिए, ये जो लेबल है ये हमें अपने बॉक्स पे लगाना है। और बॉक्स पे लगाने के बाद हमको ये हर बॉक्स पे लगाना है, 1, 2, 3,
ये देखिए 1 2 और ये 3, और ये बॉक्स, ये हर बॉक्स पे आप मतलब आप उसी हिसाब से लगाइएगा कि मतलब आप ऐसा ना हो कि आप 3 नंबर पे 1 नंबर का ही लेबल लगा दे रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्स नेम है अल्फर्ड ग्रे 6, तो हमको ये पहले नंबर पे ही लगाना है जो हमारा जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है, और दूसरे पे हमें यही लगाना है जो दूसरा बॉक्स नंबर है हमारा। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ बॉक्स 3 है बट ये नंबर ऑफ बॉक्स का जो लेबल है 2 का है ये इस टाइप से, और उसके बाद ये 3 का है। अब हम आ जाते हैं अपना कंसाइनमेंट पे, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ये फाइनल स्टेप है, यहाँ पे मार्क टू ऑडिटी पे क्लिक कर देंगे तो मार्क टू ऑडिटी हो जाएगा, जिससे कि अब आपको सिर्फ 23 तारीख का वेट करना है। 23 तारीख को जो भी पार्टनर है इनके वो आपका पिकअप लेने के लिए आएंगे और आपका पिकअप लेके जाएंगे, जो आएंगे वो वेट करेंगे आपके प्रोडक्ट का। आपके पास एक वेटिंग मशीन होनी चाहिए, क्योंकि वेटिंग मशीन नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि वो वेट करके ही ले जाएंगे उस प्रोडक्ट को। उसके जो डायमेंशन है बॉक्स का वो भी वो उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो उसको लेके जाएंगे। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।